नमस्कार, विख्यात फूड में मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको मिक्स अचार बनाना बता रही हूँ। इसके लिए मैंने एक शिमला मिर्च ली है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है इस तरह से क्यूब में। दो गाजर ली हैं, उसे भी मैंने काट लिया है। और ये एक बड़ी कटोरी फूल गोभी ली है, इसे भी मैंने छोटे छोटे बंच में काट लिया है। और एक ये हरी मिर्च, आप इसमें मटर भी ले सकते हैं, सेम भी ले सकते हैं, आपके यहाँ जो सब्जियां आ रही हूँ आप वो ले सकते हैं। इसके लिए ये काली वाली राई, जो महीन वाली होती है, इसे बनारसी राई बोलते हैं, एक चम्मच ये चाहिए पिसी हुई। अभी मैं इसको पीसूंगी। आधी चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी। ये पीली राई है और पीली राई की ये दाल है, इसको डालने से अचार का कलर बहुत ही अच्छा हो जाता है। दो चम्मच सरसों का तेल और नमक। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ये राई को पीस लेती हूँ। मैंने ये राई पीस ली है। आइए अब अचार बनाना शुरू करते हैं। एक गैस पे बर्तन चढ़ाते हैं, उसे पानी लेते हैं और इसमें अच्छी तरह से उबाल आने देते हैं। उबाल आने के बाद ही सब्जियां डालेंगे। जब पानी उबलने लगेगा तो इसमें हम आधी चम्मच हल्दी डाल देंगे। और इसी में ये गोभी डाल देंगे। गाजर डाल देंगे। दोनों को डालने के बाद अच्छा सा बॉयल आने देते हैं। देखिए पानी में बहुत ही अच्छा उबाल आ रहा है। अब जो लोग इसे क्रंची खाना चाहते हैं वो 1 से 2 मिनट के बाद इसे बंद कर दें और शिमला मिर्च डाल दें। लेकिन मैं 5 मिनट और पकाऊंगी, क्योंकि मेरे यहाँ थोड़ा सा गला हुआ अचार खाते हैं, इसलिए मैं इसको 5 मिनट और पकाऊंगी। देखिए अब 5 मिनट हो चुके हैं और ये सब्जियां हल्की सी गलने लगी हैं। अभी गैस बंद कर देते हैं और ये शिमला मिर्च भी इसी में डाल देते हैं। अच्छी तरह चला देते हैं। ये हरी मिर्च भी डाल देते हैं और 5 मिनट के लिए इसे ढक के रख देते हैं। उसके बाद मैं इसको बताऊंगी आगे क्या करना है। 5 मिनट हो चुके हैं, सब्जियां बहुत ही अच्छी सॉफ्ट हो गई हैं। अब मैं इनका पानी ड्रेन कर देती हूँ। किसी दूसरे बर्तन में एक छन्नी लेके इसका पानी ड्रेन आउट कर दीजिए। पांच मिनट इन सब्जियों को ठंडा कर लेते हैं। हमने इसका पानी छन्नी में छान दिया था और इसे 5 मिनट हो चुके हैं। आइए अब इसमें मसाले मिला लेते हैं। सबसे पहले इसमें नमक मिलाएंगे। यहाँ मैं आधा चम्मच नमक ले रही हूँ, आधा से पौन चम्मच है। हल्दी पहले भी डाल चुके हैं, इसलिए थोड़ी सी लेंगे हल्दी। लाल मिर्च, एक चम्मच भर के ये काली वाली पिसी हुई राई लेंगे। ये राई ही इसका स्वाद खट्टा करेगी। और ये राई की दाल, ये भी मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। ये मेरी पतंजलि की है, आप भी वहां से ले सकते हैं। आधा चम्मच ये राई डाल देते हैं, इससे अचार का स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब इसे मिक्स करते हैं। सभी मसाले अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। लास्ट में एक बड़ा चम्मच ऑयल का डाल देते हैं। अभी ये
हल्का सा गुनगुना है। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो इसे एक डिब्बे में भर लेंगे और इसे 3 दिन के लिए धूप में रख देंगे। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं। देखिए ये अचार बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे मैंने 3 दिन धूप में रखा है, आज ये खट्टा हो गया है, इसे खाने लायक तैयार हो गया है। आप भी अपने घर में इसे बनाइए, लेकिन ये अचार बाहर रखकर 15 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा। अगर आपको ये अचार 3-4 दिन के बाद ज्यादा खट्टा लगता है तो आप इसे फ्रिज में रखकर 15 दिन तक खा सकते हैं। अगर आपको ये मिक्स अचार की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।